नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। तो सासाराम से बड़ी खबर है, जहां रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र में बीती रात ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। दो भतीजों ने चाचा चाची और चचेरे बहन की हत्या कर दी। आपको बताएं कि चचेरी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज था भाई। जानकारी ये मिल पा रही है सासाराम से, संझौली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। दो भतीजों ने चाचा चाची और चचेरी बहन की हत्या कर दी है, सासाराम से खबर है। तो रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र में बीती रात ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। भाइयों ने मिलकर अपने ही चाचा चाची और चचेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि खेतलपुर गांव निवासी वकील सिंह की बेटी विक्रमगंज के एक लड़के से प्यार करती थी। वकील सिंह के भाई के परिवार को यह मंजूर नहीं था। जी पुरवैया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कई बार इन लोगों ने लड़की और वकील सिंह को इसके बारे में चेताया था। इसको लेकर वकील सिंह और उनके भाई के परिवार के बीच अक्सर झगड़ा भी हुआ करता था। तो जी पुरवैया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सासाराम की यह तस्वीर है, जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। तो दो भाइयों ने वारदात को अंजाम दिया है। प्रिया कुमारी 16 साल की है, और दूसरी उसकी माई है आपका अनिता देवी 45 वर्ष, और ये जो हॉस्पिटल में यहाँ आकर जो इसका फादर जो है वकील सिंह 55 वर्ष करीब है, ये तीन जनों का जो है मर्डर हो गया है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स देंगे जी मीडिया संवाददाता अमरजीत। अमरजीत जानना चाहेंगे कि फिलहाल इस पूरी खबर में क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं। बिल्कुल, घटना के बाद और इलाके में सनसनी फैली हुई है, और मैं बता दूं कि ये घटना बहुत ही दर्दनाक है कि एक ही परिवार के पूरे सदस्य को खत्म कर दिया जाता। मात्र एक उसका भाई, मात्र उनका जो एक लड़का है मात्र 11 बरस का, वही बच गया है, और परिवार के सारे लोग ये उनको हत्या कर दिया जाता है। सिर्फ आन बान की शान में कि एक कहीं ना कहीं परिवार का कहना है कि एक मामला है परिवार का, जो कहीं ना कहीं अफेयर का मामला आ रहा है, और इसी से संबंधित दोनों जो भाई थे परिजन थे नाराज चल रहे थे, और घर में भी कई बार उन्होंने हिदायत दी थी, और यहाँ तक सुनने में आया कि जिस लड़के के साथ इसका ये था तो वो भी रंगे हाथ पकड़ा था। इन सब तमाम बातों को लेकर घर में ही पहले से ही तनाव चल रहा था, जब ये देखते हुए दोनों भाइयों के द्वारा जो बिल्कुल अमरजीत कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग के इस पूरे मामले में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। इतनी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। आपको बताएं कि विक्रमगंज के एक लड़के से लड़की प्यार करती थी, और वकील सिंह के भाई के परिवार को यह मंजूर नहीं था। कई बार इन लोगों ने लड़की और वकील सिंह को इसके बारे में चेताया भी था। इसको लेकर वकील सिंह और उनके भाई के परिवार के बीच अक्सर झगड़ा भी हुआ करता था। दरभंगा में इंजीनियर्स हत्याकांड में बेहरा थाना प्रभारी रामाशंकर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आपको बताएं कि दरभंगा में शनिवार को अपराधियों ने दो इंजीनियरों की हत्या कर दी थी। रंगदारी के लिए राज्य में दो इंजीनियर के दिनदहाड़े हत्या के बाद सवाल तो उठने ही लगे हैं। हत्या की घटना के बाद डीजीपी पी के ठाकुर ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के एसपी शिवदीप लांडे के साथ साथ दरभंगा एसपी एके सत्यार्थी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। दरभंगा में मारे गए इंजीनियर मुकेश कुमार का शव देर रात बेगूसराय स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचा। शव पहुंचने के बाद वहां मातम पसर गया। मुकेश की पत्नी, बच्चे और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। मुकेश के परिजन और उनके पड़ोसी इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेवार बता रहे हैं, और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से विफल है। जब रंगदारी मांगी गई थी सुरक्षा देनी चाहिए, सुरक्षा नहीं मिलने के कारण ऐसे हमारी मांग है। सबसे पहले तो सुप्रधि को सजा मिले, और फिर किसी इंजीनियर की हत्या नहीं, इस दिन की भी ठोस कार्रवाई हो, भगवान से भी प्रार्थना करें। बहुत बड़ी घटना है, मृतक परिवार की आत्मा इतना है।
दरभंगा में मारे गए दूसरे इंजीनियर ब्रजेश कुमार रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन के रहने वाले थे। जैसे ही ब्रजेश की हत्या की खबर मिली उनके घर पर मातम पसर गया। पत्नी रीना और बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है। ब्रजेश 20 दिसंबर को अपनी 2 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने डेहरी आए थे। 25 दिसंबर को वो दरभंगा पहुंचे थे। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। क्या इसका एक भी आप लोग कुछ निकाल सकते हो समाधान? वहाँ पे जो हो रहा है वहाँ पर गुंडागर्दी वहाँ का जितना चीज भी है क्या खत्म होगा? कभी कोई ना कोई मरता रहेगा उन लोग की वजह से। कुछ है सॉल्यूशन आप लोग के पास कि बस फोटो ही लेंगे आप लोग कुछ कर सकते हैं? पेपर में डालिए, बस फोटो जाएगा लेकिन जाने वाले तो वापस आएंगे नहीं, तो कोई आप लोग सॉल्यूशन निकालिए इस सब चीज का। सरकार के मुंह पर एक तमाचा हम मान रहे हैं, सरकार बनते ही एक तमाचा देखने को मिल रहा है कि हम लोग हंसता खेलता लड़का को देखे, अभी उसका उम्र ही क्या था, वही 30-32 साल उम्र, और मैंने घर का मुख्य वारिस चला गया बेचारा। इंजीनियर्स की हत्या की घटना को राज्य के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। जानकारी अगर ये हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस जो है अपनी मुस्तैदी दिखाएगी और निश्चित रूप से जो है हर हाल में जो दोषी हैं उनको दबोचे। वहीं मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी जहां इसे कानून व्यवस्था के बिगड़ने की वानगी बताते हुए सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार पर हमला कर रही है, वहीं जेडीयू सूबे में कानून राज होने का दावा कर रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, प्रशासन पंगु दिखाई पड़ता है, मुख्यमंत्री केवल घोषणाएं कर रहे हैं, उन घोषणाओं को जमीन पर उतरता हुआ कोई देख नहीं रहा है, और अपराधियों को लगता है कि सत्ता का संरक्षण हमको प्राप्त हो सकता है, और यही कारण है कि लगातार अब तो संगठित अपराध बढ़ते जा रहे हैं। समझौता नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हमारी यूएसपी है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं 48 से 72 घंटों के अंदर जो भी हत्यारे हैं सलाखों के पीछे रहेंगे, कौन है इसके पीछे, क्या है माजरा, पूरा सामने आएगा। कटिहार के नगर सहायक थाना क्षेत्र के भेड़िया रहिका मोहल्ले के नजदीक बाइक सवार अपराधियों ने बंदूक की नोक पर एक गैस एजेंसी के गोदाम कर्मी से 6 लाख रुपए लूट लिए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश पे जुट गई है। गैस गोदाम कर्मियों की माने तो वेंडर्स की थैलियों में तकरीबन 6.5 लाख रुपए थे, तभी हथियारों से लैस अपराधी गोदाम पहुंचे और रुपयों से भरी थैली छीन ली। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी अहमदाबाद इलाके के कुरियर कारोबारी से 4 लाख की लूट की गई थी। लूट की बढ़ती वारदातों से व्यवसायी वर्ग में दहशत है। 2:30 बजे एक मोटरसाइकिल ग्लैमर मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी आया, एक मोटरसाइकिल बैठा रह गया स्टार्ट करके, 2 हथियार सटा करके, रिवॉल्वर सटा करके, देसी कट्टा सटा कर, खैरान रुपया रखा हुआ था बिक्री का, वो छीन कर भाग गए। बिल्कुल सब ट्रैकिंग किया जा रहा है, अभी तक थानेदार पीछा किया, उसका भागने का उसका पलायन का मिला है, केएमसीएच से निकला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात आरा की करते हैं। आरा में बेखौफ अपराधियों ने एक ही दिन में 3 शोरूम को निशाना बनाया और 15 लाख से ज्यादा की संपत्ति उड़ा ली। घटना नवादा थाना के चंदवा मोड़ की है, जहां अपराधियों ने 3 शोरूम विशाल मेगामार्ट, महिंद्रा और अपोलो टायर के शोरूम पर बारी बारी से धावा बोला और 15 लाख से ज्यादा कैश लूट लिए। घटना की जानकारी सुबह स्थानीय लोगों ने शोरूम मालिकों को दी। अपराधियों की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की थी। झारखंड के सीएम रघुवर दास 28 दिसंबर को अपने 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इस दौरान सूबे के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो 28 दिसंबर को सीएम रघुवर दास अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, जिसमें सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। यानी कि 1 साल हो जाएगा 28 तारीख को सीएम रघुवर दास की सरकार का, और
अपने जो कार्यकलाप जो उन्होंने किए हैं एक वर्ष का लेखा जोखा वो पेश करेंगे सीएम रघुवर दास। सीएम आवास में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहां पर सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। जेएमएम सुप्रीमो सिबू सोरेन ने झारखंड सरकार के कामकाज पर संतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार ठीक चल रही है, हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उन्होंने सरकार को सलाह जरूर दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया जाना चाहिए। सिबू सोरेन जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। जितना काम सरकार होना चाहिए था हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन उतना होने के लिए समय का जरूरत है और सभी प्रकार का जरूरत है। ये सब ठीक ठाक चल रही है सरकार, ये तो कोई भी सरकार में होता है रहता है, इसकी हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उसमें रोक लगाना चाहते हैं कि अनायास नहीं करो, जहाँ जो अफसर काम कर रहे हैं उनको काम करने दो। लोहरदगा उपचुनाव में जीत के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने रांची में जेएमएम अध्यक्ष सिबू सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान लोहरदगा उपचुनाव में जेएमएम के प्रत्याशी नहीं दिए जाने पर सुखदेव भगत ने सिबू सोरेन को धन्यवाद दिया, लेकिन मुलाकात के बाद सिबू सोरेन के एक बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल मीडिया से बात करते हुए सिबू सोरेन ने झारखंड की रघुवर सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ कर दी, तो वहीं सुखदेव भगत बयान पर कुछ ज्यादा तो नहीं बोल पाए, लेकिन इतना जरूर कहा कि लोहरदगा उपचुनाव परिणाम सरकार की विफलता का ही नतीजा है। अगर सबसे अच्छा उदाहरण हाथ कंगन का आरसी क्या है, जो लोहरदगा का उपचुनाव हुआ, यह सरकार की नाकामी जो है उसकी विफलताएं हैं, जन आकांक्षाओं के प्रति सरकार की जो उदासीनता है उसी को ये उपचुनाव जो है परिलक्षित करती है। इसलिए मैंने कहा कि जनता बनाम सरकार का चुनाव था और जनता इसमें विजयी हुई, सरकार बुरी तरह पराजित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर अपने विचार आम जनता के साथ साझा करेंगे। पीएम ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मन की बात कार्यक्रम का ये 15वां संस्करण होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपने विचारों को आम जनता के साथ साझा करते हैं। इसके लिए पीएम मोदी आम जनता से सुझाव भी आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्रों और दूरदर्शन के सभी केंद्रों से किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव का मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाएंगे, जिससे अखंड भारत या अविभाजित भारत का निर्माण होगा। विदेशी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में राम माधव ने कहा है कि अखंड भारत का सपना बिना किसी युद्ध के आम सहमति से भी संभव हो सकता है। माधव ने कहा कि आरएसएस अब भी इस बात में भरोसा रखता है कि एक दिन ये सभी हिस्से लोकप्रियता और सहमति के आधार पर एक साथ अखंड भारत का निर्माण करेंगे। ऐतिहासिक कारणों से इन्हें अलग हुए 6 दशक हो गए हैं, फिर भी क्यों नहीं ये देश एक हो सकते हैं। राम माधव ने ये साफ किया है कि उनका ये विचार पार्टी लाइन नहीं बल्कि आरएसएस के सदस्य के तौर पर है। If two Germanys can come together, if two Vietnams can come together, what makes you think that two Pakistan and India cannot come together? Okay. If two Germanys can come together, if two Vietnams can come together, what makes you think that two Pakistan and India cannot come together? Okay. और अब बात करते हैं सलमान खान की। आज बॉलीवुड सुपरस्टार और सबके चहेते दबंग सलमान खान का जन्मदिन है। सलमान खान आज 50 साल के हो गए हैं। देश भर में उनके फैंस उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की तैयारियां कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये महाजश्न सलमान के पनवेल के फार्म हाउस पर होने जा रहा है, जिसके लिए खास तैयारी की गई है। इस महाजश्न में सलमान के परिवार के साथ पहुंचेंगे ही, इसके अलावा इंडस्ट्री के भी कई बड़े सितारे पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जश्न का खास मौका है क्योंकि साल 2015 सलमान के लिए यादगार साल रहा है। इस साल उनकी 2 फिल्में बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो सुपर हिट गई। वहीं 13 सालों से हिट एंड रन केस में फंसे सलमान हाईकोर्ट से बरी भी हो गए हैं।
तो सलमान खान आज 50 साल के हो गए हैं। बर्थडे पार्टी के लिए पनवेल हाउस उनका पूरा सज धज कर तैयार है। फार्म हाउस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर सलमान खान का आज बर्थडे मनाया जाएगा। तस्वीरें देखी आपने, ये सलमान खान के फैंस जो सलमान खान को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। सलमान खान अभी नजर तो नहीं आए हैं अपने घर के बाहर, लेकिन जो उनके फैंस है वो उनके घर के बाहर लगातार टिके रहते हैं। जब तक सलमान खान बाहर निकलकर लोगों को संबोधित नहीं कर देते हैं, अपना हाथ हिलाते हैं सलमान खान और बर्थडे विशेज लेते हैं अपने फैंस से, और हर साल ये हुजूम जो है उनके घर के बाहर देखने को मिलता है। और 50 साल के हो गए आज सलमान खान। अब पीएफ निकालना आसान हो गया है। कर्मचारियों को अब अपनी मौजूदा या पूर्व कंपनी से संबंधित फॉर्म पर उसके साइन की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पीएफ निकालने को और आसान बना दिया है। यानी नौकरी छोड़ने या बदलने पर पीएफ निकालने के लिए अपने एम्प्लॉयर के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब सब्सक्राइबर्स पीएफ निकालने के लिए सीधे ईपीएफओ के पास आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए कंपनी के सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इसका फायदा तभी मिलेगा जब सब्सक्राइबर्स का आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़ा होगा। ईपीएफओ की सुविधा का फायदा उन 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स को होगा जिन्होंने अपने केवाईसी को एम्प्लॉयर्स के साथ अपडेट करा दिया है। हालांकि पीएफ निकालने के लिए 2 महीने का वेटिंग पीरियड लागू रहेगा। नौकरी बदलने वाले सब्सक्राइबर्स की सुविधा के लिए पिछले साल सरकार ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन सुविधा लॉन्च की थी। इसके तहत सभी एक्टिव सब्सक्राइबर्स को 1 नंबर अलॉट किया गया था। इस नई सुविधा के शुरू होने से उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो अपनी पुरानी कंपनी से संपर्क नहीं कर पाते। पुराने नियमों के मुताबिक सब्सक्राइबर्स को पीएफ निकालने से जुड़े फॉर्म अपने मौजूदा या पूर्व एम्प्लॉयर के जरिए खुद जमा कराने होते थे। इसके तहत आवेदन फॉर्म का सत्यापन अनिवार्य था। जो सब्सक्राइबर्स बगैर एम्प्लॉयर की मदद से पीएफ निकालना चाहते हैं, उन्हें नया फॉर्म भरना होगा। जो सब्सक्राइबर्स पीएफ अकाउंट से एडवांस रकम निकालना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म 31 भरना होगा। हालांकि एडवांस पीएफ निकालने के लिए शर्तें लागू होंगी, जैसे घर बनाने, हाउसिंग और एजुकेशन लोन की रीपेमेंट और इलाज के लिए ही एडवांस मिल सकेगा। ईपीएफओ की योजना पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की है और इसी वित्त वर्ष में सुविधा शुरू की जा सकती है। इससे न सिर्फ सब्सक्राइबर्स की मुश्किलें कम होंगी बल्कि ईपीएफओ के ऑफिसों में कागजों का बोझ भी घटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नए साल के जश्न को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट समेत सभी 5-स्टार होटल और सी बीच पर नजर रखे हुए हैं। तो मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट है पुलिस, पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कड़ी सुरक्षा में नए साल का जश्न मनाया जाए, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। 2015 की विदाई और नए साल के स्वागत के जश्न के मूड में लोग आ चुके हैं। ऐसे में आप भी नए साल की छुट्टियों को खुशनुमा और यादगार बनाना चाहेंगे। इसके लिए आपके लिए अच्छा विकल्प है रांची का बिरसा जैविक उद्यान। खासकर बच्चों के लिए तो ये बेहतरीन जगह है। नए साल पर कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा इधर भी देख लीजिए। नेचर के बीच पिकनिक का मजा लेने के लिए आप बिरसा मुंडा जू आ सकते हैं, और यह रांची से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जू के एंट्री गेट पर बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दर्जनों झूले और स्लाइडर लगे हुए हैं। वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पसंद है ये वाला स्लाइड। बच्चों लोग का छुट्टी होता तो लोग जू जाना ही पसंद करता है। यहाँ उन लोगों को पूरा घूमने के लिए जगह मिलता है,
झूला है, एनिमल्स देखता है, तो पूरा टाइम इसमें यहाँ स्पेंड कर लेता है। नेशनल हाईवे के किनारे मौजूद इस जू में सालों भर पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन साल के अंत में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। राउंड द ईयर बच्चों के ख्याल से इसको अम्यूजमेंट के लिए जगह बना करके ही रखे हैं। आप देखे होंगे कि हमारा जो मेन गेट है उसके बाहर में एक प्ले एरिया है जहाँ बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, और हम लोगों ने देखा है कि जब बच्चे आते हैं यहाँ पे तो अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं कि हमारा ज़्यादा समय उस प्ले एरिया में ही बीते। आप भी परिवार के साथ यहाँ छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं और आपके बच्चे भी यहाँ बोर नहीं होंगे। आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। और इस बीच पाकुड़ से खबर मिल रही है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। इस घटना से नाराज लोग सड़क पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया है, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको खबर बता रहे हैं पाकुड़ से, जहां पर हिरणपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत की खबर मिल रही है। तो वाहन की चपेट में युवक आ गया है जिससे उसकी मौत हो गई है। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ जमकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पाकुड़ से, जहां जिले के हिरणपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। इस घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। तो स्थानीय लोगों का हंगामा देखने को मिल रहा है, विरोध कर रहे हैं लोग सड़कों पर उतरकर। हिरणपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। रांची में आज से 7वां वनवासी खेल महोत्सव शुरू हो रहा है। खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय जनजाति कल्याण मामलों के मंत्री जुएल उराव और सीएम रघुवर दास मौजूद रहेंगे। 27 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलने वाले खेल महोत्सव में देश के 27 राज्यों के 3000 जनजातीय खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इस महोत्सव में विभिन्न स्तरों पर खिलाड़ियों के लिए स्पर्धाएं होंगी। इनमें तीरंदाजी, खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, मैराथन और 5000 मीटर की दौड़ शामिल है। वनवासी खेल महोत्सव में झारखंड से 1500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल महोत्सव में चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। रांची में आज से शुरू हो रहे वनवासी खेल महोत्सव का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। रांची के खेलगांव में आज से राष्ट्रीय वनवासी खेल महोत्सव शुरू हो रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये स्टेडियम है और स्टेडियम में मुख्य मंच बनाया गया है। यहीं से केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सहित जितने भी आगंतुक हैं वो उपस्थित रहेंगे और यहाँ से उद्घाटन सत्र शुरू होगा। नीचे आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्टेडियम में लगातार जो खिलाड़ी हैं, जो इस महोत्सव में भाग लेने वाले हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, मार्च पास्ट की तैयारी कर रहे हैं, कैसे करना है उससे पहले का रिहर्सल चल रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि पूरे देश से करीब 27 राज्यों के करीब 3000 खिलाड़ी इस महोत्सव में भाग लेंगे। हमारे साथ उड़ीसा के एक प्रशिक्षक भी हैं जिनसे जानेंगे आपके साथ कितने लोग आए हैं और क्या कुछ तैयारी है आपकी। हमारे साथ 70 बच्चे हैं, लड़का लड़की, और 12 टीचर है, और उसमें हमारा ये खो खो खेल, आर्चरी, एथलेटिक्स, वो ये होगा। खेल का मकसद भी है कि नीचे तबके के जो इस तरह के स्टूडेंट हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थान देना, और इस राष्ट्रीय खेल महोत्सव से भी कुछ ऐसे खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे जो आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची।